पटना के बड़े और पुराने होटलों में से एक पाल होटल रेलवे स्टेशन के पास को आग ने अपनी जद में ले लिया। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 30 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। 4 मंजिल की इस इमारत में लगी आग ने पास के 2 और होटलों को भी अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। फायर ब्रिगेड और पुलिस के 100 से अधिक कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। आइए जानते हैं पाल होटल में आखिर कैसे आग लग गई, कैसे इस आग के कारण कई जिंदगियां इस होटल में फंस गई। अमर उजाला की पड़ताल में पता चला कि पाल होटल के किचन में सेफ लंच तैयार कर रहे थे, इसी दौरान गैस चूल्हे की लौ तेज होने के कारण कढ़ाई में खौल रहे तेल के छोंक से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि वहां मौजूद प्लास्टिक में इसकी जद में आ गए। जब तक सेफ और अन्य स्टाफ आग पर काबू पाते तब तक पूरे किचन में आग फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक यहां पहुंचती तब तक पूरे होटल में आग फैल गई। लोगों का कहना है कि पटना जंक्शन के नजदीक पाल होटल में गुरुवार को सुबह लोग नाश्ता करने के लिए जुटे थे। इधर किचन में बन रहे नाश्ते के दौरान अचानक तेल से भरी कढ़ाई में आग लग गई। तेज हवा और गर्मी ने आग को पूरी तरह ज्वलंत बनाने में कारगर साबित हुई। 4 मंजिल की इमारत धुधुकर जलने लगी। आग लगने की सूचना से आसपास के होटल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने दुकान को बचाने के लिए सामान को सुरक्षित जगह निकलना शुरू कर दिए। इस बीच लोगों ने आपातकालीन सेवा 101 नंबर को डायल कर अग्निशमन दस्ते को मौका पर पहुंचने का आग्रह किया। बताया जा रहा कि सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसी क्रम में पुलिस ने लोदीपुर फायर स्टेशन को किस बात की सूचना दी। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने के कारण पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। ऊपर के फ्लोर पर लोग नाश्ता कर रहे थे। जब तक वह संभल पाते आग की लपटें वहां पहुंच चुकी थी। आग लगने की सूचना के बाद ऊपर फंसे लोग बार बार छत से लोगों को खुद को बचाने का आग्रह करते हुए जोर जोर से हल्ला मचाने लगे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अग्नि दस्ते की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लगभग 1 दर्जन लोगों को होटल से बाहर निकाला। होटल में फंसे लोगों को निकालने के लिए हाइड्रा का भी सहारा लिया गया। इसमें महिला पुरुष और बच्चे बताई जा रहे हैं। अग्निशमन दस्ते के DIG मृत्युंजय कुमार ने बताया कि 15 से 20 दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को भी पूरे दमखम के साथ आग पर काबू पाने में लगाया गया। इससे उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि अग्निशमन दस्ते के कर्मचारी लाइफ सूट पहनकर आग पर काबू पाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब तक होटल के अंदर फंसे लगभग 25 से 30 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकल गया है।